नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं मौलाना अब्बास यासू अब्बास खान जी। मैं मौलाना यासू अब्बास हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ से। लखनऊ से आए आप, क्या मुद्दा है जो आप लोगों को नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा और प्रोटेस्ट करना पड़ा? देखिए, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की हज़रत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा जहरा का मज़ार मदीने में सऊदी अरब में जन्नतुल बकी में गिरा दिया गया है, उसको लेके हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पुरान जितने लोगों की परमिशन मिली थी उसी परमिशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर एक मेमोरेंडम और अपने तकरीरों के ज़रिए से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मोदी जी को ये मैसेज दिया कि 14 तारीख को 14 नवंबर को शाह सलमान की विज़िट होने जा रही है मोहम्मद बिन सलमान की हिंदुस्तान के लिए, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, तो उनके ऊपर दबाव बना है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी के मज़ार को पुनः तामीर किया जाए, पुनः उसको निर्माण किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब आतंकवादी मुल्क है, हम इसको इस्लामी देश नहीं मानते हैं, इसलिए कि सऊदी अरब का पैसा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आर्मी ये दोनों पूरी दुनिया के लिए ज़बरदस्त तरीके से दहशतगर्दाना जो हमले हो रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। सर, जो आप कह रहे हैं कि मज़ार गिराया गया, क्या वह मज़ार लीगल था या? देखिए, लीगल ये आज से तकरीबन 100 साल हो रहे हैं मज़ार गिराने को और कोई इलीगल मज़ार नहीं होता है। कब्र के ऊपर साया होना कब्रिस्तान में कहीं के ऊपर इलीगल नहीं है, मगर जिस तरीके से सऊदी अरब में ये सब हुआ है उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों गिराया गया होगा? ये उन्होंने वहाबियत को प्रमोट करने के लिए कि वहाबी हैं लिहाजा मज़ार परस्ती जो है, लोग मज़ार पर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, ज़ारत करते हैं, दुआ करते हैं, बैठ के गिरिया करते हैं, लिहाजा उन्होंने खाली मज़ार को गिराया ही नहीं है बल्कि मज़ार के चारों तरफ उन्होंने अहाता कर दिया है उसके आयरन की दीवारों का, ताकि लोग मज़ार के अंदर तक जाकर ज़ारत तक के ना कर सकें। आपने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड जो होता है उसमें नहीं? मैंने इसकी शिकायत आज से नहीं, हमेशा से इसकी शिकायत हो रही है, वक्फ बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सऊदी अरब की सरकार से है और सऊदी अरब की गवर्नमेंट के क्राउन प्रिंस इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है। जब प्रधानमंत्री जी ने सबके विश्वास की बात की है तो आज हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान, तमाम शिया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और तमाम वो लोग जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी को जनाब फातिमा को मानते हैं, तो उन लोगों के दिल दुखे हुए हैं, क्योंकि वो आदमी आ रहा है वज़ीर आज़म के दावतनामे पर जिसने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी के मदार को गिराया है, लिहाजा कम से कम दबाव बना के उस मदार के पुनर्निर्माण की हम लोग मांग करने के लिए आए। सर, आपने पाकिस्तान दूतावास के समक्ष आप लोगों ने ये अपील नहीं रखी, क्या धरना प्रदर्शन नहीं किए? देखिए, हम आज से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम तकरीबन 34-35 साल से मुसलसल दिल्ली में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में सऊदी एम्बेसी जब पहले इधर हुआ करती थी तो हम लोग यहाँ भी धरने प्रदर्शन करते थे, अब चाणकपुरी चली गई है तो वहाँ भी धरने प्रदर्शन होते हैं और कल आज भी और कल भी मुसलसल वहाँ के ऊपर मेमोरेंडम दिए जाएंगे वज़ीर आज़म को और एम्बेसडर को। 30 साल से कर रहे हैं, 100 साल हो गए हैं तकरीबन, तो फिर भी क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया जा रहा है? अब ये तो सऊदी अरब की सरकार के हाथ में है, सऊदी अरब सारे काम कि कोई पॉलिटिकल इसमें दबाव है क्या? पॉलिटिकल ये है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के घर वालों को जो ज़माना मान रहा है और जो उनका एहतराम है, इज्जत है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चरवाहे लोग हैं ऊँट के, इनको इज्जतदार लोग रास नहीं आते हैं, इनको चरवाही रास आते हैं, लिहाजा इनको चरवाहा कोई मिले तो ये उसकी इज्जत करेंगे, इज्जतदारों की इज्जत नहीं करते। तो आज आप मोदी जी के समक्ष आए हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, क्या लगता है कि वो आपकी अपील को संज्ञान में लेंगे, बातचीत करेंगे वहाँ? भाई देखिए, हमारा काम है आके आवाज़ उठाना, हमने आके यहाँ आके आवाज़ उठाई है। अब ये हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म खाली खोखले दावे करते हैं विश्वास के सबका विश्वास, या हकीकत में विश्वास को लेकर चलेंगे? अगर वो 14 तारीख को क्राउन प्रिंस से जन्नतुल बकी की प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी का मदार जो गिरा दिया गया है, अगर वो उसकी बात करते हैं तो हमें लगेगा कि ये दावा खोखला नहीं है। आपके साथ और लोग क्यों नहीं आए, जैसे और समुदाय के या फिर और भी जो संगठन होते हैं वो सब क्यों नहीं आए? हमारे साथ में ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट है, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, शिया नेशनल फ्रंट है, हमारे पास और दूसरे आपके जो निदाय शिया इरफान आले मोहम्मद सोसाइटी है, तमाम है। इस वक्त हमने लोगों को इनवाइट नहीं किया है ना,
क्योंकि यहाँ के ऊपर हमने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करने सब सबका समर्थन है आपके। पूरी तरीके से पूरे मुल्क का समर्थन है, पूरी दुनिया का समर्थन है इसमें। बहुत शुक्रिया। जनता से कुछ कहना चाहिए? मैं आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा जहरा के मज़ार के पुनर्निर्माण के लिए जितना हो सके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को ईमेल्स करें, लेटर्स भेजें और जितना हो सके जन्नतुल बकी के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेमोरेंडम लेकर के आप प्राइम मिनिस्टर के समक्ष ये लोग जा रहे हैं, पहले इनका परिचय जान लेते हैं। सर, मैं जुल्फकार अहमद छम्मन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट। सर, आज आप लोग ये मेमोरेंडम दे रहे हैं, क्या लगता है कि संज्ञान लेंगी सरकार? मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सबको लेके चल रहे हैं वो 20 करोड़ मुसलमानों की बात ज़रूर करेंगे। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को देख रही है, वो 100% बात करेंगे। इसमें एक रिकन्स्ट्रक्शन जन्नतुल बकी नहीं है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जो फाइनेंस एड दे रहा है, तो प्रिंस को ये भी बतलाना है जो निर्दोष लोग कश्मीर में मर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो सिर्फ सऊदी का है, जो कंगले मुल्क पाकिस्तान को करोड़ों अरबों डॉलर दे रहा है उसको फ़ौरन बंद कराए। तो नया ये जो प्रिंस बना है ये पढ़ा लिखा है, उम्मीद है कि ये ज़रूर नरेंद्र मोदी जी की बात करेगा। आज हमारा मुल्क पावरफुल है वो करेगा, यही मुद्दे हम देके आ रहे हैं। 30 साल से आप लोग, इतने साल हो गए मोदी जी की सरकार है, आप लोगों ने मेमोरेंडम तब नहीं दिया? नहीं, हमेशा दिया है। तो वो पहले क्यों नहीं सुना? नहीं नहीं, अब पहले हो सकता है ये नया प्रिंस बना है इसके दिमाग में क्यों आए, क्योंकि उनके अंदर वही वहाबियत और दिमाग में आतंकवाद टेररिस्ट को बढ़ावा देना सऊदी का वही काम है वो करते हैं, तो हमारा काम है उनको झिझोड़ना कि यहाँ का मुसलमान इस मुल्क के लिए लड़ता रहेगा, आखिर दम तलक लड़ता रहेगा। इसलिए उनका दिमाग हम हिलाते रहते हैं कि फाइनेंस, आज तो हर टीवी पे आप जब देखेंगे तो उसमें यही होता है कि फाइनेंस से शुरू ही मैंने करी थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें पता लगता है जब बातें करते हैं होता है तो ये किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंस दे रहा है, क्या कर रहे हैं, हमें पता लगा। हमने शुरू करी तो आज पूरे टीवी पर आप देखेंगे तो उसमें दिखता है कि फाइनेंस एड किस तरीके से पाकिस्तान को दे रहा है, किस तरीके से टेररिस्ट कैंप वहाँ चल रहे हैं उस कंगले मुल्क में जिस पे खाने को पैसा नहीं है, वो कहाँ से इतना करोड़ों रुपया, कहाँ से वेपन ला रहा है, कहाँ से बम ला रहा है, कहाँ से स्टैंड गने ला रहा है, उससे सऊदी का पैसा है, पैसा उस पर बहुत है, सोना तेल सब कुछ है, उसका पैसा उठा के वो सऊदी को दे रहा है, वहाँ टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, उससे हमारे हिंदू भाई और भी लोग। आप कहना चाह रहे हैं जो भी आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो केवल और केवल सऊदी अरब जा रहा है? 100% उसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं। इसको हम पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस आ दी है कि अमेरिका तक को मालूम है कि सारा पैसा सऊदी से वाया पाकिस्तान आ रहा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप लगे हुए, नए नए वेपन आ रहे हैं, वो वहाँ बम चलाया पाकिस्तान को निकल गया, टोटल सब फाइनेंस सऊदी का। अच्छा, आपके धर्म गुरु वगैरह क्यों नहीं आए आपके? आज मना करा था, पुलिस ने कहा था यहाँ तो होते हजारों आदमी, वो लोग समर्थन में हैं, सब सारे धर्म गुरु समर्थन है, इवन हिंदू, ये अरविंद कुमार जी हैं, एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर भी मतलब हिंदू की एक भावना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन्होंने भी सपोर्ट करा। ऐसे बहुत मेरे हिंदू दोस्त हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ये सुन के कि भाई एंटी टेररिज्म आप काम कर रहे हैं, सब साथ देते हैं, और जो हकीकत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? आवाम को तो यही कहना कि ये मुल्क कभी टूट नहीं सकता, जैसा हमें एका है इसी तरीके से एका रहे, हिंदू मुस्लिम एक रहे, इस मुल्क को बहुत तोड़ना चाहते हैं लेकिन टूटेगा नहीं, ये मुल्क एक रहेगा हमेशा। सर, परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सरदार खान है, मैं शिया सुन्नी फ्रंट का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया का, अखिल भारतीय शिया सुन्नी फ्रंट। अकेले मिलेगा? प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इसमें पूरा समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये प्रोटेस्ट हम पिछले 25 साल से करते चले आ रहे हैं, हमारी डिमांड है कि जन्नतुल बकी जो मदीना में एक ग्रेवयार्ड है उसको 1926 में उसको डेमोलिशन कर दिया गया था, तो पूरे देश और पूरी दुनिया की यही डिमांड है कि जन्नतुल बकी को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्टेड किया जाए। इसीलिए आज हम जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस सलमान हिंदुस्तान आ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है, तो देश हिंदुस्तानी चाहते हैं कि जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा जहरा और अहले बैत के जितने लोगों के मज़ारात हैं उनको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। सर, क्या लगता है कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार तो आप लोग आगे क्या करोगे और कुछ प्लानिंग करोगे? देखिए, देश हमारे देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई भी बात उनके संज्ञान में जाती है तो उस पर वो ज़रूर सोचते हैं
और मुझे उम्मीद है कि आज हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी मेमोरेंडम दे रहे हैं और सऊदी एम्बेसी को भी मेमोरेंडम दिया जा रहा है और इस पर संज्ञान जरूर लेंगे।